हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड का फिफ्थ T20 इंटरनेशनल कल खेला जाने वाला है बे ओवल माउंट मनगनुई पे। लास्ट जो मैच था, जो फोर्थ T20 इंटरनेशनल था, वो भी जाकर के सुपर ओवर में ख़त्म हुआ। और इस बार केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग करी, विराट कोहली ने लास्ट की दो ओवर पर 6 रन बनाए, तो बहुत कुछ था मैच देखने को लास्ट वाले में। इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे मतलब प्लेयर्स को खिलाया था, तो उस टीम को भी अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड नहीं हरा पाई। बस केन विलियमसन नहीं थे टीम में, उनको थोड़ा शोल्डर प्रॉब्लम है, शायद इस मैच में भी खेलने के चांसेस उनके कम है, क्योंकि अभी ओडीआई सीरीज़ आ गई है। देखो T20 सीरीज़ हार चुके हैं, पर नो डाउट एक मैच तो जीतना जरूर चाहेंगे, पर फिर भी रिस्क नहीं लेंगे जहां तक मुझे लगता है केन विलियमसन, तो इस वाले मैच में शायद वो बाहर ही बैठेंगे। अब कल टॉस के टाइम पर बहुत सारे चेंजेस नज़र आ सकते हैं, न्यूजीलैंड से इतने चेंजेस नज़र नहीं आएंगे जितना इंडिया से चेंजेस नज़र आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए हम टॉस का कल इंतज़ार ज़रूर करेंगे। पर अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी इस ग्राउंड से, तो बे ओवल माउंट मनगनुई है आपके सामने है। पहली बात देखो, स्टैंड्स नहीं है इस ग्राउंड पे, पूरा खुला ग्राउंड है, हवा चल सकती है, अगर थोड़ी सी विंड स्पीड ज़्यादा हुई तो फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है। जनरली यहाँ पर अगर हम बात करें, इस सोडी बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, जितने भी मैचेस पास अगर आप देखोगे, दो या तीन इतनी इतनी विकेटें लेते हैं। और एक खास बात यह है कि कॉलिन मनरू 2 शतक बना चुके हैं इस वाले ग्राउंड पर, इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। एक बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाया था और एक बनाया था उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो 2 शतक बना चुके हैं और अच्छी खासी यादें जुड़ी होंगी कॉलिन मनरू की तरफ से। अगर हम बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस आया होगा, लास्ट मैच भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, अगर रनआउट नहीं होते तो शायद एक तरफा ही गेम ले जाता। उसके बाद इंडिया ने कमबैक किया, रनआउट बहुत अच्छा किया था वैसे विराट कोहली ने। बाकी T20 इंटरनेशनल की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर चेज़ नहीं होता इस ग्राउंड पर, 8 मैचेस टोटल खेले जा चुके हैं, 7 बार जो है वो बैट फर्स्ट जीती है, 1 बार भी यहाँ पर चेज़ नहीं हुआ है। अब रीज़न पता नहीं है क्या है, क्यों नहीं हुआ है, पर शायद कल हमें डिफरेंट चीज़ देखने को मिले। बाकी फिर भी अगर हम बात करते हैं, एवरेज फर्स्ट इन टोटल 181 है, एवरेज सेकंड टोटल 145 के करीब है, हाईएस्ट टोटल 243 जो कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बनाया था न्यूजीलैंड ने। इसी मैच में कॉलिन मनरू ने अपना दूसरा शायद तीसरा शतक बनाया था, और पहले क्रिकेटर ऐसे बने थे, उसके बाद रोहित शर्मा आ गए हैं जो कि बना चुके हैं और भी शतक। बाकी आप देख सकते हो लोएस्ट टोटल 124 था। इस पर लास्ट T20 इंटरनेशनल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। आप देख सकते हो लास्ट T20 मतलब जो इससे पहले, मतलब जो लास्ट मैच था यहाँ पर वो बे ओवल पे, वो आप देख सकते हो, जिसमें पाकिस्तान ने बनाए थे 181 रन, फ़खर जमान के थे 46, यहाँ पे सरफराज अहमद ने 29 किए थे, इस सोडी ने 2 विकेट ली, सैंटन ने 2 विकेट ली, स्पिनर्स अच्छा करते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर हम देखते हैं तो 163 पर ही नहीं बना पाए, मतलब टोटल 182 का चेज़ नहीं कर पाए, जिसमें गप्टिल के 59 थे, रॉस टेलर 24, शदाब खान ने यहाँ पर 2 विकेट ली, रुमान रईस हो गए और मोहम्मद आमिर हो गए, सबने 1 विकेट ली। तो स्पिनर्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो है पिच में, क्योंकि मैंने जितने मैचेस रिसेंटली या पुराने खोल करके देखे हैं, कुछ ना कुछ हुआ है, स्पिनर्स ने विकेटें ली हैं और ख़ास तौर से सोडी ने भी विकेटें ली हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ स्पिनर्स को तो हम टीम में ले सकते हैं। पार्टी क्लाउडी वेदर रहेगा, हमें पूरा मैच देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ की बात मैं जल्दी से करूँगा, क्योंकि आप सबको पता है पूरी सीरीज़ में क्या हुआ, इतना बड़ा बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आपको कुछ नहीं पता है, पहले मैच में बनाए थे न्यूजीलैंड ने 203, इंडिया ने चेज़ किया था 1 ओवर पहले, और बाकी सारी चीज़ आपको पता है किसने क्या परफॉर्म किया वो सब आप देख सकते हो। बाकी उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच में, न्यूजीलैंड ने उसी ऑकलैंड में था मैच, दोनों मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क पर हुए थे, जिसमें न्यूजीलैंड 132 किए थे, थोड़ा सा पास स्कोर से बिलो पास स्कोर था ये, जिसमें इंडिया ने बहुत आराम से चेज़ कर लिया था। फिर अगला मैच की अगर हम बात करते हैं, तो ये हुआ था हैमिल्टन पे, सेडन पार्क हैमिल्टन, यहाँ पर इंडिया ने पहले बैटिंग करी, लगभग 180 बनाए, और न्यूजीलैंड भी एक तरफ मैच जीत चुकी थी, केन विलियमसन 95 बना चुके थे, पर फिर उसके बाद शमी का ओवर आया, मोहम्मद शमी का, सुपर ओवर तक मैच को ले गए, फिर रोहित शर्मा ने लास्ट 2 बॉल पर 2 छक्के मारे। बहुत कुछ हुआ है पूरी सीरीज़ में, एक्साइटिंग मैचेस हुए हैं, पर लास्ट मैच जो अगर हम बात करते हैं, विंडी वेलिंगटन वेस्टपैक स्टेडियम पर हुआ था वेलिंगटन में, जिसमें 165 बनाए थे इंडिया ने, और फिर न्यूजीलैंड एक तरफ ऐसा लग रहा था 3 ओवर में शायद 20 रन चाहिए थे और आराम से मैच निकल सकता था, पर उसके बाद बावजूद भी प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर आया और फिर दोबारा सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर में इंडिया ने दोबारा मैच जीता, तो प्रेशर साफ नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड के ऊपर। अब देखने वाली बात है क्या होता है। बाकी अब सबका यहाँ पे किसने कितना परफॉर्म किया, वैसे दो मुनरो 2 बार मतलब अच्छी खेल चुके हैं 2 इनिंग्स, तो इनको देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, आप देखना चाहो तो सारे प्लेयर्स ने क्या क्या किया वो आप आराम से देख सकते हो। बाकी अब हम चलते हैं सीधा प्लेइंग 11 की तरफ। न्यूजीलैंड की तरफ से चेंजेस मुझे नज़र नहीं आएंगे, शायद लास्ट मैच से वो चेंज ना करें, क्योंकि विलियमसन अगर फिट हो जाते हैं तो वो टीम के अंदर आ जाएंगे, फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत शफलिंग हो जाएगी, अदरवाइज सेम टीम रहेगी, मुनरू गप्टिल सिफर्ट। लास्ट मैच में मैंने आपको बोला भी था, जब प्लेइंग 11 आई थी तो सिफर्ट नीचे आया था, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बोला भी था कि सिफर्ट जहाँ तक मुझे लगता है वो नंबर 3 पर खेलेंगे, और उन्होंने खेला था और उसी की वजह से हमारे टीम ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, हमने उनको अपनी टीम में रखा था। तो ये टॉप 3 रहेंगे, फिर रॉस टेलर, टॉम ब्रूस, मिचिल हो गए, मिचिल सैंटनर हैं, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे टिम साउदी, वैसे डैरी मिचिल हैं, फिर स्कॉट कुगलैन हैं, फिर आप देख सकते हो इसोडी और हेमिश बैनेट, तो ये इनकी प्लेइंग 11 रह सकती है। बाकी इंडिया की तरफ से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, शायद हमें कल विराट कोहली नजर ना आए, पर मुझे
ऐसा लगता है विराट कोहली को खेलना चाहिए, क्योंकि इस टूर पे अभी तक कोई इनकी तरफ से ज़बरदस्त इनिंग नहीं आई है। मतलब आप कह नहीं सकते कि विराट कोहली वाली इनिंग अभी तक आई होगी, एक 50 भी नहीं बनाई इन्होंने, तो शायद कल के मैच में खेलेंगे और एक बड़ी इनिंग दिखाएंगे। बाकी शायद केएल राहुल की जगह वापस रोहित शर्मा या किसी और को खिलाया जाए, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। जो लग रहा है संजू सैमसन तो खेलेंगे, अय्यर की जगह पंत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, शिवम दुबे पांडे, वाशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं, वो तो खेलेंगे, लास्ट मैच में खेले थे, ठाकुर हैं, फिर सैनी है, चहल है, बुमराह है, चहल की जगह शायद कुलदीप को ले आए, तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो केएल राहुल, विराट कोहली, कॉलन मुनरो, इसोडी हो गए, गप्टिल हो गए, सिफर्ट हो गए, तो ये जो प्लेयर हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो मुनरो, सिफर्ट, गप्टिल और ये इसोडी, ये तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी इंडिया की टीम से जो खेलेगा उसे हम देखेंगे। संजू सैमसन पर भी नजर आ सकते हैं, वैसे खराब प्लेयर नहीं है, ज़बरदस्त प्लेयर वो भी है। ग्रैंड लीग ऑप्शन की बात करते हैं तो टॉम ब्रूस, टिम सिफर्ट, संजू सैमसन, डैरन मिचेल, शिवम दुबे और युजवेंद्र चहल, तो ये कुछ ग्रैंड लीग के ऑप्शन रहेंगे। चलेंगे ड्रीम इलेवन टीम की तरफ, उससे पहले टेलीग्राम चैनल की तरफ भी रहेंगे। देखो इन्फॉर्मेशन, अब जैसे कि कल भी मैचेस हैं, जैसे वुमन वाला मैच हुआ था आज, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले हम आज बात करते हैं फोर्ड ट्रॉफी के मैच की। कल भी दो मैच खेले जाने वाले, इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं, पर आपको जैसे कि कल मैंने अपडेट दिया था, स्क्वाड्स मैंने बता दिए थे, एक टीम बता दी स्मॉल लीग की जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे मैंने खेला था मैंने वही डाली थी। अब अपडेट मैं नहीं दे पाया था आपको 3 बजे, पर फिर भी टीम हमारी पूरी खेली थी और अच्छी टीम गई थी। उसके बाद कुछ ग्रैंड लीग के ऑप्शंस मैंने बताए थे, जिसमें लेथम थे, टॉम ब्लंडन ने सुबह अच्छी बैटिंग करी है, यहाँ पे आप देख सकते हो मर्डॉच खेले नहीं, फिर भी ये आप देख सकते हो, तो कुछ ऑप्शंस जो होता है मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ, तो टेलीग्राम आपके पास आना जरूरी है। बाकी ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो भी नहीं बन पाएगी, कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वुमन मैच है, यहाँ पर भी सुपर ओवर हुआ, ये वाला मैच भी हमारा अच्छा गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी कोशिश हमने करते रहे और यहाँ पे फिर हमने सिडनी थंडर वाला मैच दिया आपको, तो कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट टीम प्रोवाइड करें। आज का दिन अगर हम ओवरऑल देखें तो अच्छा रहा था, बाकी कल भी आगे भी कोशिश करते रहेंगे अच्छा रहे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप आना चाहो तो आ सकते हो, इसमें वीडियो के अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कल दो मैचेस खेले जाने हैं वुमन के, न्यूजीलैंड वाला भी है शायद, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का वुमन मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वुमन मैच है, वो शायद आपको मैं दूंगा यहाँ पर, और दो मैचेस हैं फोर ट्रॉफी के, मैं कोशिश करूँगा उनकी, एक स्मॉल लीग की टीम और कुछ ग्रैंड लीग के ऑप्शंस और ऑफिशियल स्क्वाड, अगर कोई चेंजेस है तो मैं वो बता दूंगा। तो बहुत कुछ मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए, वीडियो नहीं बन पाएगी पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी जो कि इनफ रहेगा आपके लिए, मतलब टीम बनाने लायक। तो चलते हैं सीधा ड्रीम इलेवन टीम की तरफ, क्या टीम हमारी बन रही है वो देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। तो टीम क्या बनेगी वो देख लेते हैं, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो तो ट्विटर अकाउंट भी और फेसबुक पेज भी है, तो फेसबुक पेज ट्विटर अकाउंट पे आ सकते हो। बाकी जो मैं बात कर रहा था वो ये दो मैचेस हैं, फिर आप देख सकते हो इंडिया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का वुमन और इंडिया न्यूजीलैंड का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वुमन, तो बहुत मैचेस कल खेले जाएंगे, कहीं करीब करीब 5 मैचेस कल होने हैं, तो ये आप देख सकते हो। चलते हैं सीधा इंडियन टीम की तरफ, क्या टीम बन रही है। देखो चेंजेस हो सकते हैं टीम में, इसमें तो कोई डाउट नहीं रखना है हमको, इंडिया की तरफ से चेंजेस हो सकते हैं, पर केएल राहुल को हमने रखा है, सिफर्ट को भी रखा है और सैमसन को भी हमने रखा हुआ है। अब बात करते हैं तीन बैट्समैन की, अगर रोहित शर्मा खेलेंगे तो हम रख लेंगे उनको, बाकी विराट कोहली, गप्टिल को हमने रखा हुआ है, विलियमसन चोटिल हैं तो शायद नहीं खेलेंगे, मुनरो 2 शतक बना चुका है इस वाले ग्राउंड पर, लास्ट मैच में 50 बनाई थी और अच्छी 50 बनाई थी, रनआउट हो गए अदरवाइज गेम खत्म कर सकते थे। बाकी नीचे से ऑप्शन अय्यर है, रॉस टेलर है, टॉम ब्रूस और पांडे हैं जो कि ग्रैंड लीग के ऑप्शन रहेंगे। बाकी दो ऑलराउंडर जिसमें सेंटनर को हमने रखा था, नीचे से हमने रखा है शिवम दुबे को। अब बात अगर हम करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में सोडी और चहल, क्योंकि ये ग्राउंड में स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, एक मैच में शादाब खान ने 2 विकेटें ली, सोडी ने ली, और भी पुराने मैचेस अगर मैंने खोल के देखे तो सोडी परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिनर्स सेंटनर हो गए, एक दो बार तो केन विलियमसन ने भी 2-2 विकेटें लिए यहाँ पर, तो शायद स्पिनर्स के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इस पिच पर ज़रूर है। बाकी बुमराह और सऊदी को आप ट्राई कर सकते हो नीचे से, देखो शार्दुल ठाकुर ने लास्ट मैच में दिखाया कि वो बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हैं और इवन उन्होंने बैटिंग भी अच्छी करी थी, तो सिर्फ यही रीज़न था उन्होंने बैटिंग भी अच्छी करी है इनको लेने का, अदरवाइज हमारे पास पूरे क्रेडिट है, हम इनको छोड़ करके जा सकते हैं जसप्रीत बुमराह टीम सऊदी की तरफ, तो ये आप कर सकते हो, या फिर नीचे से हेमिश बैनट है जिनको आप ट्राई कर सकते हो, ऑप्शंस की कमी नहीं है। वैसे नवदीप सैनी भी है। टीम प्रीव्यू देख लेते हैं, ये बन रही है टीम विराट कोहली, क्योंकि ड्यू है पूरे सीरीज़ में, 4 मैच हो चुके हैं अभी तक, 150 भी नहीं बनाई है इन्होंने, तो शायद एक बड़ी इनिंग इनकी तरफ से आनी चाहिए। गप्टिल को वाइस कैप्टन किया हुआ है, इनकी तरफ से भी कोई 4 इनिंग हो गई है, 150 भी नहीं बना पाए हैं। बाकी मुनरो क्योंकि यहाँ पे शतक बना चुके हैं 2 बार, तो ट्राई कर सकते हो उनको। यहाँ पे सिफर्ट एक अच्छा ऑप्शन है, केएल राहुल खेलते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। देखो अगर थोड़ा सा हटके करना चाहते हो ना तो सैमसन भी हैं, क्योंकि मौके को जो इनको मौका मिलेगा कल, एक शायद लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद इतने ज़्यादा मौके ना मिले, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये रन करना चाहेंगे, तो ये आप माइंड में रख सकते हैं, इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही था इस वीडियो में, होप ये वीडियो को पसंद आई होगी, लाइक का बटन दबा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच।